ने प्रशासन के दो वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से बताया कि 2022 में यूक्रेन के खिलाफ मास्को के युद्ध के उग्र होने के कारण रूस द्वारा संभावित परमाणु हमले को रोकने के लिए हस्तक्षेप की मांग करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अन्य विश्व नेताओं के अलावा प्रधानमंत्री मोदी से संपर्क किया। वाशिंगटन को डर था कि क्रेमलिन 1945 में हिरोशिमा में नागासाकी की बमबारी के बाद पहली बार परमाणु हमले का सहारा ले सकता है और घातक बमबारी की संभावना को रोकने के लिए कड़ी तैयारी शुरू कर दी। CNN ने एक बयान में कहा, मुझे लगता है कि हमारा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बारे में चिंता दिखाना, विशेष रूप से रूस और वैश्विक दक्षिण के लिए प्रमुख देशों की चिंता एक सहायक प्रेरक कारक था और उन्हें दिखाया कि इस सब की कीमत क्या हो सकती है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि तथ्य यह है कि भारत, चीन और अन्य ने उनकी सोच पर कुछ प्रभाव डाला होगा। अधिकारी ने कहा, मैं इसे सकारात्मक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि यह हमारा आकलन है। उत्तर कनाडा के बसपा सांसद अनंत कुमार हेगडे ने 10 मार्च को कहा कि संविधान में कोई भी बदलाव करने के लिए बसपा को 400 सीटों की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा, उन्होंने संविधान बदल दिया है और पूरे हिंदू समाज पर अत्याचार करने के लिए कानून लाए हैं। अगर ये सब बदलना है तो इस अल्पसंख्यक वोट से नहीं होगा। दोनों पक्षों को 2x3 बहुमत की जरूरत है। इस बार PM मोदी ने 400 से ज्यादा सीटें जीतने की बात कही है। 400 क्यों, हमारे पास लोकसभा में बहुमत है लेकिन राज्यसभा में नहीं। संविधान में कोई भी बदलाव करने के लिए हमें 400 सीटों की ज़रूरत है। हमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों में भी 2/3 बहुमत चाहिए। सिर्फ लोकसभा में बहुमत पर्याप्त नहीं है। मोदी और वर्तमान का मैं हेडिंग, अब की बार 400 पार, ये बारी 400 ही सीटें गेलबेकु अंत और हेळ्तारे। याके 400 ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಇದೆ, 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಪ ಬಹುಮತ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಚಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತುರುಕಿದ್ರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ದಮನಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲದೂ ಬದಲಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರು 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव श्रवण सिंह पांडे ने 10 मार्च को अमृतसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा रेल पटरियां पर विरोध प्रदर्शन करने के बाद रेल रोको आंदोलन सफल रहा, जिससे रेल मार्ग भी प्रभावित हुए और रद्द करना पड़ा। कई ट्रेनों का पंजाब और हरियाणा में कई स्थानों पर ट्रेनों को रोकने में किसानों के सफल होने के बाद रेल रोको आंदोलन सफल रहा। कई किसानों को गिरफ्तार किया गया और अधिकारियों ने आंदोलन को रोकने के लिए बल प्रयोग किया। आज का प्रदर्शन इतिहास के सबसे सफल प्रदर्शनों में से एक था, श्रवण सिंह पांडे ने कहा है। जो आज का भारत बंद था, जो सॉरी रेल रोको आंदोलन था, वो पूरी तरह सफल रहा है। जहां तक पंजाब का सवाल है, ये सफलतम रेल रोको है। 50-60 से बहुत ज्यादा जगहों पर जो हमें खबरें मिल रही हैं, अधिक जगह पर ये रेल रोको आंदोलन हुआ है। बहुत सी अन्य यूनियन ने भी ये दो फोरमों की कॉल की हिमायत किया, उन्होंने भी दर्जनों जगहों के ऊपर ये रेल रोको आंदोलन किया है। और जो हमें हरियाणा से खबर मिली है, वहां पर 6 जगहों के ऊपर रेल ट्रैक के ऊपर किसान
मजदूर चढ़े हैं। एलनाबाद पे ऊपर गिरफ्तारी हुई है, डबवाली में गिरफ्तारी हुई है रेल रोकने के बाद। पंजोड़, मोड़ा, मानकपुर इन जगहों के ऊपर पुलिस छावनी में बदल दिया गया और जबरदस्ती किसानों को रेल से हटाया गया, ये खबरें मिल रही हैं। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफे के बारे में बात करते हुए वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने 10 मार्च को चिंता व्यक्त की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर फैसला लेना होगा कि क्या वर्तमान 2024 का चुनाव केवल एक चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा कराया जा सकता है। मुझे लगता है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। एक नागरिक के रूप में हम यह जानने के हकदार है कि एक संवैधानिक पदाधिकारी चुनाव से ठीक पहले इस समय क्यों पद छोड़ देगा। मुझे नहीं लगता कि देश के इस कारण पता है। उन्हें सूचित करना चाहिए कि उन्होंने ऐसे क्यों किया है, पद छोड़ने के लिए चुना गया। अब मुद्दा यह है कि चुनावों के साथ क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट को अब वास्तव में इस पर निर्णय लेना होगा कि क्या वर्तमान 2024 का चुनाव केवल एक चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा कराया जा सकता है, मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा है। वी एज सिटीजंस आर एंटाइटल्ड टू नो द सर्कमस्टेंसेस एंड रीजंस व्हाई अ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी वुड स्टेप डाउन at this point in time, just before the elections. I think it is important that he should inform why has he chosen to step down. If the current elections have to go on, who will take all decisions and accountable to none? Supreme Court will now have to look at this particular legislation, which has become very imminent in view of the present circumstances, as you have only the Chief Election Commissioner. Ask me for my opinion, I would say, Mr. Goyal occupied a constitutional post. He has resigned just on the eve of declaration of elections because our Lok Sabha has to go in for an election. 5th June is the last date when otherwise the Lok Sabha will stand dissolved. So if he resigns just on a penultimate day before announcement of elections, I think there has to be a transparency and उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के देवरिया में नारी शक्ति वंदना समारोह में शामिल हुए। आपके अपेक्षाओं के अनुरूप हमें भी 100% प्रयास के साथ काम करना है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, जितना भी काम हो रहा है वह डबल इंजन सरकार के कारण ही संभव हो रहा है। और मैं आभारी हूँ, सचमुच इस बात के लिए आभारी हूँ, जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था देवरिया जनपद में सभी सीटें कमल निशान के लिए अर्पित की, सभी सीटें हमें चुना करके दे दी, सभी सीटें में दी। तो स्वाभाविक रूप से जब आपने 100% रिजल्ट दिया है तो 100% अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए 100% कार्य भी हमें करना है। परिणाम जब पूरा आएगा तो परिणाम के लिए उसके लिए फिर हमें भी उतनी मेहनत से कार्य करना है। और बहनों भाइयों, कभी आप सोचते थे कि आवास बन पाएंगे? आप सोचिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के 17,358 गरीबों को एक एक आवास देवरिया जनपद में प्राप्त हुए। अगर डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ग्रामीण। भारतीय जनता पार्टी ने कोमपेला माधवी लता को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मैदान में उतारा है। दिस टाइम ही इज शेकन टू द एक्सटेंट दैट ही हैज चेंज्ड हिज लैंग्वेज। भाई, आप भाषा बदल दिए हो, आप पूरे दुनिया को दिखा रहे हो कि डर शुरू हो गया है। जंग तो इसके पहले ही शुरू हो गया है। अ मैन हु नेवर न्यू व्हाट पीस इज, कान को कुछ अच्छे नहीं लग रहे साहब। व्हाटएवर ही हैज प्रॉमिस्ड द एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर, ही इज नाउ द सिटिंग एमपी। दैट इज अ वेरी सिंपल इनएविटेबल स्टेटमेंट दैट एनी एमपी बेसिकली हैज टू से टू द एग्जिस्टिंग द लोकल पार्टी, एंड ही इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ एआईएमआईएम विच होल्ड्स ऑन टू 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज विद हिम। आई डोंट सी एनीथिंग ग्रेट ही सेइंग दैट। There are people, there are NGOs. Our Prime Minister Modi ji has been always telling you, we know that
recently in his one simple visit here, 9,000 crores he has sanctioned Telangana state, irrespective not being in the state government here. असद का तो ये बेसिक जिम्मेदारी है भाई, आप एमपी रहकर एएमआई पार्टी का लो एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 10 मार्च को चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के 9 मार्च को इस्तीफे के परिस्थितियों पर भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र से जवाब मांगा था। मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि अरुण गोयल या सरकार को खुद इसका कारण बताना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, चुनाव से ठीक पहले हुआ। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यह बहुत चौंकाने वाली बात है जब भारत का चुनाव आयोग 13 मार्च के बाद किसी भी दिन कार्यक्रम की घोषणा करने जा रहा है और उससे ठीक पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। मैंने संसद में कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रही है और मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के तरीके को बदल रही है। यदि उन्हें नियुक्त करने वाली 3 लोगों में से 2 सरकार से है तो यह स्पष्ट है कि सरकार अपने लोगों को उस पद पर रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस कमेटी में सरकार का बहुमत नहीं होना चाहिए, वो या सरकार ही बताए कि चुनाव से ठीक पहले ऐसे क्यों हुआ। ये बड़ा ताज्जुब खैज वाकया है, बड़ा ही शॉकिंग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना शेड्यूल जारी करने वाला है 13 तारीख के बाद कभी भी, और उससे चंद दिन पहले इलेक्शन कमिश्नर साहब गोयल साहब अपना इस्तीफ़ा पेश करते हैं। तो इस पर नहीं मालूम क्या वजह है, क्यों उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और हमने मजलिस ने शुरू में ही हमने पार्लियामेंट में जब बिल लाया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का, मैंने खुलकर कहा था कि ये गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के ख़िलाफ़ जाकर हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर रही है। यानी एक तो प्राइम मिनिस्टर होंगे उसमें और दूसरी कमेटी के मेंबर होंगे एक मिनिस्टर और तीसरे जो है लीडर ऑपोजिशन होंगे, तो यानी आप 2 हुकूमत की तरफ जब होंगे। सुप्रीम कोर्ट में भारतीय स्टेट बैंक की याचिका पर आज सुनवाई होगी, जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए प्रत्येक चुनाव वी बॉन्ड्स के विवरण का खुलासा करने के लिए समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट समय सीमा बढ़ाएगी। चुनाव बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। इस मामले के अलावा प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ एक अलग याचिका पर भी सुनवाई करेगा, जिसमें SBI के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया है। चुनावी बॉन्ड मामले से जुड़ी इस याचिका का आरोप लगाया गया है कि SBI ने राजनीतिक दलों के मिल चंदे के विवरण निर्वाचन आयोग को 6 मार्च तक सौंपे जाने संबंधी शीर्ष अदालत के निर्देश की जानबूझकर अवज्ञा की। गैर सरकारी संगठनों एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स तथा कॉमन काउज द्वारा दायर याचिका में दावा किया है कि समय दिए जाने के अनुरोध वाली SBI की अर्जी अंतिम क्षणों में जानबूझकर दायर की गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चंदा लेने वालों और चंदे की रकम का खुलासा लोकसभा चुनावों से पहले नहीं हो। दिल्ली में आज कांग्रेस की केंद्रीय सीमित की बैठक होगी। इसके पहले यूपी कांग्रेस ने रविवार को सभी 17 उम्मीदवारों पर चर्चा की। रायबरेली और अमेठी के लिए अलग से प्रस्ताव पास किया गया। कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में गठबंधन में मिली 17 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। वरीयता के क्रम में किसी सीट पर 2 किसी पर 3 नाम का प्रस्ताव तैयार किया गया। अमेठी और रायबरेली सीट के लिए अलग से प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें गांधी परिवार का ही उम्मीदवार उतारने की मांग की गई है। बैठक में उदयपुर चिंतन शिवार के संकल्प के अनुसार 50% उम्मीदवार SC OBC और महिला वर्ग से चयनित करने पर जोर दिया गया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की मौजूदगी में रविवार को दोपहर बाद प्रदेश कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक हुई। इस दौरान विभिन्न सीट के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम पर विचार किया गया है। 17 सीटों के समीकरण और चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों की मतदाताओं की पकड़ आदि को लेकर भी विचार विमर्श किया गया है। अमेठी और रायबरेली से अभी तक किसी भी उम्मीदवार का नाम नहीं भेजा गया है। दोनों जिलों से आए स्थानीय नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का प्रस्ताव राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजने का फैसला लिया गया है।
कांग्रेस हाईकमान ने रविवार को बहुप्रतीक्षित 6 सदस्यीय समन्वय समिति की घोषणा कर दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय के लिए समिति गठित करने को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अनुसार समन्वय समिति में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर को सदस्य बनाया गया है। राज्यसभा चुनाव के दौरान 6 कांग्रेस विधायकों की ओर से क्रॉस वोटिंग के बाद उनके विवाद के शांत करने के लिए हिमाचल और पर्यवेक्षकों ने सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाने के लिए समिति गठित करने का फैसला लिया था। 3 सदस्यों की घोषणा कर दी गई है। 3 सदस्यों की घोषणा कांग्रेस हाईकमान ने की है। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश इकाई के भीतर विभिन्न गुटों के साथ चर्चा के बाद पार्टी के 3 केंद्रीय पर्यवेक्षकों भूपेंद्र हुड्डा, भूपेश बघेल और डीके शिवकुमार ने इस समिति के गठन का प्रस्ताव रखा था। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के कुछ विधायकों द्वारा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के बाद से पार्टी को संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस के 6 विधायकों के क्रॉस वोटिंग के कारण कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक सिंघवी राज्यसभा चुनाव हार गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है।